हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय रैप्सोडी का हिंदी में। आज शुक्रवार 22 अक्टूबर। आज का संदेश है परमेश्वर की आवाज सुनो। योहन्ना का 10वां अध्याय 27वां वचन कहता है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। परमेश्वर की आवाज सुनना एक रहस्य नहीं है। असल में उसकी आवाज सुनने और पहचानने के लिए आपको उसके वचन को जानना पड़ेगा। योहन्ना का पहला अध्याय पहला वचन, परमेश्वर और उसका वचन एक है। यह इतना सरल है। हर बार जब आप वचन का अध्ययन करते हैं और इसके साथ सहभागिता करते हैं, तब आप उसकी आवाज को सुनने और पहचानने के लिए अपनी आत्मा को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने में अधिक समय बिताते हैं, उसकी आवाज को सुनने के लिए अपनी आत्मा को तैयार करने का यही तरीका है। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करते। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोलिए, आपके वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद। वैसे ही आपकी आवाज को और स्पष्टता से सुनने के लिए मेरी आत्मा प्रशिक्षित होती है। यीशु के नाम में आमीन। वचन अध्ययन यशाया 30वां अध्याय 21वां वचन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।